सारुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाग्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारकं प्रधानं सर्व धर्माणां जयनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरक्षणे गुरुवाणी मंथन शिविर उसके अंतर्गत यहां रात्रि की सभा में समय सार ग्रंथ की गाथा नंबर 13 के आधार और उस पर गुरुदेव श्री के प्रवचन उसका यहां मंथन चलता है। मंथन इस प्रकार से चलता है, कुंद कुंद आचार्य देव ने क्या कहा और अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका क्या की और उस टीका का अर्थ गुरुदेव श्री ने क्या निकाला है, उसका मर्म क्या है टीका का, और गुरुदेव श्री ने जो कहा उसमें क्या भाव गर्वित है, एक वाक्य में से भी कितने न्याय निकल जाते हैं गुरुदेव के। गुरुदेव एक वाक्य कहे तो उसमें भी अनेक न्याय निकले, ऐसे कोई अद्भुत गुरुदेव श्री को श्रुत की लब्धि थी। ये जितने भी जो वक्ता हैं वे इस बात को समझते हैं, जो सोच सोच करके बोलते हैं उनकी तो यहां बात है नहीं कि कैसे भाव कहां से आता है, ये निकल करके कैसे बात आ जाती है। अब टीटू भाई के पास कोई उनके बिजनेस से संबंधित कोई व्यक्ति आवे और कदाचित मैं भी टीटू भाई के पास वहां बैठा हुआ हूं तो ऐसा 15 मिनट तक बराबर बात चलती रही, वो पूछता रहा, ये जवाब देते रहे, ये उस पर तर्क करते रहे, वो जवाब देता रहा, ये चलता रहा, वो चलता रहा, फिर वो 15 मिनट बाद बातचीत पूरी हुए चला गया। मैं टीटू भाई ये तुम्हारे दिमाग में बातें कहां से आती है, कुछ सोच सोच करके बोलते हो क्या करते हो, पंडित जी सोचने का कहां समय है। उसने तो पूछी और हमने बता दी और हमने फिर कही उससे कि फिर ऐसे नहीं चलेगा, तो ये आती कहां से है कि आती तो है लेकिन कहां से तो सोच सोच करके की बात नहीं है, जैसा ऐसा ही होता है ऐसा यहां पर कहते हैं। देखो अच्छा यह 13 नंबर की गाथा है, समय सार 13वीं गाथा टीका है ना, यह लिया है यहां तक। फिर से गुरुदेव श्री ने जो 9 पर्याय तत्व है ना, ये 9 तत्व पर्याय तत्व है, ये ध्रुव तत्व द्रव्य तत्व नहीं है, ये 9 पर्याय तत्व है, ये बात कहते हैं। और इस 9 पर्याय तत्व में से भूतार्थ ने से भगवान आत्मा की दृष्टि करनी है, ये विषय सारा चल रहा है। नव तत्व गतत्वे भी यत एकत्व न बच्चे, 9 तत्वों में ये भगवान आत्मा निकल रहा है ये कह रहे हैं, और 9 तत्व है वो भगवान आत्मा नहीं है, और जो भगवान आत्मा है वो 9 तत्व रूप नहीं है, और 9 तत्व गतत्व भी है, 9 तत्व की पर्याय रूप वह देखो पर्याय से तो गतिमान हो रहा है, पर्याय में वो गतिमान हो रहा है लेकिन वो गतिमान नहीं हो रही है, पर्याय गतिमान हो रही है। कुछ समझ में आया क्या बोला, बहुत उपयोग को कंसंट्रेट रखना पड़ेगा। जैसे मान करके चलो आप कि विमल जी आप
ट्रेन में बैठे हुए हो, बराबर है, अब ट्रेन दौड़ रही है, ठीक है, अब ये बताओ कि आप ट्रेन के साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? क्या पूछा? ये जो नव तत्व गतत्व भी यद एकत्वम न मुंचती वाली जो बात है, इसके रहस्य को समझना पड़ेगा, बराबर। क्या बोला, बोलो विमल जी। ट्रेन में आप बैठे हो और ट्रेन दौड़ रही है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रेन के साथ आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? चल रहे हैं, बराबर है। अब मैं कह रहा हूं कि आप ट्रेन के साथ नहीं चल रहे, आप तो वहीं अचल बैठे हुए हो। टीटू भाई बराबर है। अब इसमें से निकालना है अपन को, नवतत्व गतत्व भी एकत्वम न मुंचती बात निकालनी है। समझ में आया तुम्हारे? तो मैंने कहां से देख करके बोला और विमल जी ने कहां से देख करके बोला? इन्होंने ट्रेन जो दौड़ रही है उस ओर से देख करके बोला कि मैं चल रहा हूं, और मैंने कहां से देखा? बोलो टीटू भाई। मैंने विमल जी की ओर से देखा, मैंने ट्रेन की ओर से नहीं देखा। मैंने किस ओर से देखा चेतन? विमल भाई की तरफ से देखा। तो मैंने ये देखा कि विमल जी तो चले ही नहीं रहे, वे तो अपनी बर्थ पर अपने बैठे हुए हैं। पॉइंट आता है, समझ में नहीं आता है? ठीक है, तो नव तत्व की ओर से देखा जाता है तो वो नव तत्व का तत्व भी हो गया नौ तत्वों में। और जब वस्तु मात्र को देखा जाता है, द्रव्य मात्र को देखा जाता है, ध्रुव मात्र को देखा जाता है, तो वो तो उसकी तो ही बैठा हुआ है, वो तो चल ही नहीं रहा। पॉइंट बात समझ में आई? एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी क्या बात है इसके अंदर कि एक सूरत हो सकती है विमल जी कि आपको उस ट्रेन में से तो बाहर, तुम तो बाहर आ जाओ, ख्याल में आ गई, और ट्रेन को जाने का, ओके, या ट्रेन को रोक दो और तुम दौड़ो, ओके। अब किक साहब, ये दोनों बातें ही संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि पर्याय बिना का द्रव्य नहीं है और द्रव्य बिना की पर्याय नहीं है। विमल जी बिना की ट्रेन नहीं है और ट्रेन बिना की विमल जी नहीं है। और अब कोई ये सोचे तो विमल जी तुम तो ट्रेन में से उतर ही आओ, कि मैं उतर ही नहीं सकता, क्यों? बिना पर्याय के है नहीं द्रव्य, और पर्याय द्रव्य बिना की नहीं है। ट्रेन विमल जी बिना की नहीं है और विमल जी ट्रेन बिना की नहीं है। तो ऐसी स्थिति में माने विमल जी ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन दौड़ रही है, ऐसी स्थिति में नव तत्व गतत्वेपि और एकत्वम न मुंचति, वो देखना है। टीटू भाई ये तो समझ में आया? आगे समझ में? अब मैं आपसे पूछता हूं, ट्रेन को रोकने की जरूरत है क्या? विमल जी को यदि देखना हो तो ट्रेन को रोकने की जरूरत है क्या? तो ट्रेन चलती, ट्रेन में तुम विमल जी को कैसे देख लोगे साहब? कि चलती ट्रेन में विमल जी को कैसे देख लोगे? कि चलती ट्रेन में हम विमल जी को देख सकते हैं, कब देख सकते हैं? कि हम चलती हुई ट्रेन की ओर से सर्वथा चक्षु को बंद कर दें और मात्रा विमल जी की तरफ चक्षु को खोल दें, बोलो टीटू भाई क्या कहते हो? आज तो नंबर दे दो 100 में से 100। आज समझ में नहीं आता है भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है,
समझना चाहे तो समझ में विषय आता। बोलो चेतन, तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? चलती ट्रेन में बिमल जी को देखा जा सकता है कि नहीं देखा सकता? तू चलती हुई ट्रेन देखेगा तो तेरे को बिमल जी कैसे दिखाई देंगे? चलते हुए, चलती हुई ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन की ओर से बिमल जी को देखेगा तो बिमल जी कैसे दिखाएंगे? चलते हुए। और तू ट्रेन को नहीं देखेगा और बिमल जी को ही देखेगा तो बिमल जी तेरे को स्थिर, अचल, ध्रुव, कायम, नहीं चलते हुए, नहीं दौड़ते हुए दिखाई देंगे। पॉइंट समझ में आ गया? ये बात कब की है? जब ट्रेन में बिमल जी बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, ये तब की बात है। ये नहीं कि ट्रेन रुकी हुई है, तब की बात नहीं है। ऐसे ही पर्यायों में, नौ पर्याय है ना, जीव की एक समय की पर्याय, अजीब को जानने वाली जीव की एक समय की पर्याय, पुण्य पाप का भाव, दो मिलकर के आश्रव, राग में रुकना बंध है ना, संवर, एक शुद्धि की प्रगटता, शुद्धि की वृद्धि ये निर्जरा है ना, पूर्ण शुद्धि ये मोक्ष। तो ये नौ क्या है? पर्याय है। तो इन नौ को ट्रेन ले लो, और इस ट्रेन में कौन बैठा हुआ है? भगवान आत्मा बैठा हुआ है। तो पर्याय किस समय पर उत्पाद वे नहीं हो रही, और किस पर्याय में भगवान आत्मा नहीं आ रहा है? दौड़ती हुई ट्रेन में कब बिमल जी नहीं है? बराबर ख्याल में आया? तो नौ पर्यायों के भेद में कब भगवान आत्मा नहीं है? अब प्रश्न ये सामने हो गया कि क्या बिमल जी को चलती हुई ट्रेन में ट्रेन ना दिखाई दे और बिमल जी दिखाई दे? ट्रेन का चलना बंद नहीं किया है, ट्रेन ना देखें और बिमल जी को देखें, ऐसे नौ पर्याय भेद को ना देखें और उसमें एक रूप रहने वाला, जिसको भूतार्थ न्याय का विषय कहा, जिसको सम्यक दर्शन का विषय कहा, जिसको शुद्ध न्याय का विषय कहा, जिसको मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कही कि धर्म का प्रारंभ यहां से होता है। तो जैसे बिमल जी को देखा जा सकता है, वैसे ही इस भगवान आत्मा को देखा जा सकता है। ये है। अब इसे तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ऊपर की बात है, कि भैया ऊपर की बात नहीं है, जो पहली बात है, ये स्टार्टिंग में यही करना पड़ेगा, ये तो नहीं चलेगा। ख्याल में आ गया? समझ में? मनीष भाई, नहीं ट्रेन में बैठना कि नहीं बैठना? कि बैठना नहीं बैठने की बात ही नहीं है, पर्याय बिना का द्रव्य नहीं और द्रव्य बिना की पर्याय नहीं। ऐसा होने पर भी पर्याय परण में रही है, द्रव्य नहीं परण में रहा, द्रव्य अचल है, पर्याय दौड़ रही है प्रत्येक समय पर। और चलती हुई पर्याय में द्रव्य को बोलो चेतन देख सकते कि नहीं देख सकते? विचार करना, ये उदाहरण जो विमल जी वाला दिया है उस पर तो विचार करना, देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता है? पॉइंट आ गया तुम्हारी समझ में? अब केवल दो ही चीज तो देख नहीं रही, एक तो दौड़ती हुई ट्रेन और दूसरा विमल जी, एक दौड़ती हुई ट्रेन और एक विमल जी, बराबर तीसरी तो कोई चीज देखने की रही नहीं। माने नौ पर्याय और द्रव्य, नौ पर्याय और द्रव्य, तीसरी चीज कोई देखने की रही नहीं। अब जे क्या कर रहा है कि जे बाहर में देख रहा सीनरी, अब सीनरी को देखेगा तो ना तो तेरे को चलती हुई ट्रेन दिखाई देगी ना विमल जी दिखाई देगी। ये देखता है नौ कर्म को, द्रव्य कर्म को, बाहर के संयोगों को देखता है, और अब ये कहता है कि हम तो बिमल जी को देख रहे हैं, कि भैया ये काम बिमल जी के देखने की बात तेरी गलत है, यहां पर तुझे मां देखना पड़ेगा। ख्याल में आ गया? देखो अब तो भूतार्थ न्याय से जाने हुए मिला आपको भाई, दूसरा पैरा मिला, नीचे 59 नंबर का शुरू हुआ ना, 59 नंबर का शुरू हुआ, समय सार तीर्मी गाथा टीका है ना, यहां से शुरू हुआ ना भैया, मिला कि नहीं मिला?
मिल गया नहीं मिला बताओ, चेतन को बता दो भैया जरा। अरे अभी तक खोल के ही नहीं रखा था, निकाल कर आ गया। चलो वेरी गुड। तो फिर से गुरुदेव श्री ने नौ पर्याय तत्व की फिर से परिभाषा दी थी जी। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ देना भाई, बराबर है। अब कहते हैं यह जीवादि नव तत्व भूतार्थ नैसे जाने, ये नव तत्व को भूतार्थ नैसे जाने, ये नव तत्व बराबर मिला क्या नहीं मिला, ब्लॉक लेटर वाला उसको कवर करो कि यह जीवादि नव तत्व भूतार्थ नैसे जाने। तो ये भूतार्थ नैसे जाने हुए का अर्थ क्या, ये गुरुदेव श्री ने इसका खुलासा किया। इसका अर्थ यह है कि नौ की जो पर्याय है ना, देखो नौ की ये पर्याय है, ये नौ में एक भी द्रव्य नहीं है, ये नौ क्या है पर्याय है। उसकी दृष्टि छोड़कर, पर्याय की दृष्टि छोड़कर, माने इन नौ की दृष्टि छोड़कर, नौ को बाहर निकालने की बात नहीं है, क्या छोड़ना है दृष्टि, तो दृष्टि में से नौ छोड़ना है, नौ नहीं छोड़ना है, दृष्टि में से नौ छोड़ना है। समझ में आया, नौ का जो लक्ष्य है ना वो लक्ष्य छोड़ना है, कोई ट्रेन में से कूदना नहीं है बिमल जी को, लेकिन दौड़ती हुई ट्रेन को नहीं देखना है, बस इतनी सी बात है। ऐसे ही ये नौ पर्याय तत्व है, इनको क्या करना है, इनकी दृष्टि को छोड़ना है, उसका आश्रय छोड़ना है, उसमें आत्मपने की बुद्धि छोड़नी है, नौ तत्व का अनुभव ना कर, क्योंकि नौ तत्व के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, या एक परमात्मा की दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए नौ जो जीवादि कहे उसमें से भूतार्थ ने निकाल, तो भूतार्थ ने से जाने जीवादि नव तत्व, इसका अर्थ क्या लिया कि नौ तत्व जो पर्याय रूप है उसकी दृष्टि छोड़, ये भूतार्थ ने से निकालना है। नंबर पहली बात, भूतार्थ ने से जीवादि नव तत्व को भूतार्थ ने से जान, तो भूतार्थ ने से जान में पहली बात गुरुदेव श्री ने क्या ली कि नौ की दृष्टि छोड़। ऐसा पहले क्यों कहा कि नौ की दृष्टि छोड़, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तू नौ की दृष्टि, तेरी दृष्टि वर्तमान में नौ के ऊपर है, उसे छोड़। पॉइंट समझ में आया, त्रिकाली गायक भाव जो सत्य ध्रुव चेतन प्रभु है उसके आश्रय से, इस भूतार्थ ने से, इस त्रिकाली गायक भाव के आश्रय से उत्पन्न होना वह भूतार्थ ने से जाना हुआ कहा जाता है, माने इसकी दृष्टि करना इसका नाम भूतार्थ ने से जाना। बराबर ख्याल में आया विमल जी, समझ में नहीं आया, दो बातें कहीं गुरुदेव श्री ने इस पैराग्राफ में, दो बातें कहीं, जीवादि नव तत्व भूतार्थ नैसे जाने, इसको कैसे भूतार्थ नैसे जीवादि नव तत्व को जानो, भूतार्थ नैसे जीवादि नव तत्व को जानो, तो इसका क्या अर्थ है, दो बातें कहीं कि पर्याय दृष्टि छोड़ो और द्रव्य दृष्टि करो, बस इसका नाम भूतार्थ नैसे जाने हुए नव तत्व सम्यक दर्शन है। समझ में आया, सम्यक दर्शन भैया तत्वार सूत्र का क्या पहला है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब उन्होंने सम्यक दर्शन कहना शुरू करा तो उन्होंने कहा कि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अब जब तत्वार्थ शब्द आया तो तत्वार्थ क्या आया कि जीव अजीव, ये सब ये तत्वार्थ इनका श्रद्धान करो। समझ में आया,
तो साहब फिर तो सात की श्रद्धान की बात है ना कि ना ना उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में तत्वार श्रद्धान में जीवादी सात तत्व के श्रद्धान की जो बात कही है वो भूतार्थ ने ऐसे कही। इसका क्या अर्थ हुआ? वहां सात तत्व कहे या नौ कहे, इतना सा फिर है। इसका क्या अर्थ हुआ कि हम जो सात तत्व की तेरे को बात बता रहे हैं वे पर्याय तत्व हैं। उन पर्याय तत्व में वो जो एक भूतार्थ भगवान आत्मा बैठा हुआ है उसकी दृष्टि कर, तो कैसे कर कि पर्याय का लक्ष्य छोड़ और द्रव्य का लक्ष्य कर। लक्ष्य कर कहो, आश्रय करना कहो, दृष्टि करना कहो, सब एक अर्थ। एक काम करने का ये एक बार एक प्रकार से जो बारह पांच तो मंगलाचरण हो गया जिसमें उन्होंने पांचवी में तो प्रतिज्ञा की, पहले में तो सिद्धों की स्थापना की अपनी पर्याय में भी की और संसारी जीवों की पर्याय में भी सिद्ध की स्थापना की, फिर उन्होंने समय शब्द की व्याख्या की, स्वयं समय पर समय का मतलब यह है कि जिक्र किया, वस्तु का स्वरूप लिया, काम भोग बंद की कथा ली, फिर उन्होंने कहा कि मेरे जो निज वैभव का जन्म हुआ है वो इससे हुआ है और अब मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, और छह नंबर से उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। तो छह नंबर से और बारह नंबर तक की गाथा में सात गाथाओं में पूरा समय सार हो गया, केवल सात गाथाओं में समय सार हो गया। अब ये तेरह नंबर की गाथा से तो उसी का विस्तार हुआ, क्या है इसको तो ऐसे समझो एक लिपटा हुआ थान है और वही थान खोल दिया है, ऐसा है बस। इतना थान समझते, तुम तो समझते हो थान, 40 मीटर का थान लिपटा हुआ है, ख्याल में आया? वो लिपटा हुआ थान था मैं सात गाथाओं में, और फिर इन्होंने खोल के दिखा दिया इसको तेरह नंबर की गाथा से। और तेरह नंबर की गाथा में ही वो ये कह रहे हैं कि भूतार्थ ने से जाने हुए नव तत्व वो सम्यक दर्शन है। देखो इन्होंने भी सम्यक दर्शन से तेरह नंबर की गाथा में शुरुआत की और उमा स्वामी ने भी सम्यक दर्शन से बात शुरू कर ली। थोड़ा चिंतन तो इस प्रकार का रखना चाहिए ना कि एक काय की बात इन्होंने शुरू करी, बराबर ख्याल में आ गया ये भूतार्थ ने ऐसे हुआ, तो दो बातें कही। क्या दो बातें कही? बोलो बोलो चेतन भाई, दो बातें क्या कही? ध्रुव की दृष्टि करो और पर्याय की दृष्टि छोड़ो, बस। अब पर्याय में जब मोक्ष पर्याय की भी दृष्टि छुड़ाने की बात हो रही है तो फिर भैया ये आश्रव और बंध तत्व इसकी इसकी क्या कीमत रही? ये भी गुरुदेव श्री के में आया, अपूर्ण है निर्जरा, अपूर्ण शुद्धि है, मोक्ष पूर्ण शुद्धि है। तो जब मोक्ष जैसी पर्याय के प्रति भी दृष्टि छोड़ने की, आश्रय छोड़ने की, लक्ष्य छोड़ने की बात है तो भाई ये पुण्य पाप और आश्रव बंध की दृष्टि तू करने की बात कहां से आ गई? नहीं समझ में आया, पॉइंट समझ में आया क्या? नहीं, जब उसने 2000 की रिश्वत ही ना ली, हमने 2000 दिए उसको, जब उसने वो ही ना लिए, अब हम उसे दिखा रहे हैं 200 का नोट, ये ले लो, अगर तुमको ये पसंद नहीं आ रहा है तो कि तुम पागल हो? जब हम 2000 ही ना हाथ नहीं रख रहे उसके ऊपर तो 200 पे हाथ रखेंगे? जब मोक्ष तत्व जैसी पर्याय के ऊपर भी सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए उसकी दृष्टि भी छोड़ने की बात है तो भाई ये पाप पुण्य आश्रम बंद इसकी बात भाई समझना तो चाहिए भाई। हम कहते हैं तू बाद में जाकर इंप्लीमेंट कर लियो,
लेकिन समझ तो ले, समझ तो ले कि नहीं समझ ले। मनीष भाई नहीं समझ में आया, आप कोई भी मार्केट में चीज खरीदने के लिए जाओ, एक जर्सी खरीदने के लिए जाओगे तो क्या करोगे, क्या करोगे आप? घबराओ नहीं, बिल्कुल एकदम एग्जाम्पल है, मुझे इतने इसलिए देने पड़ते हैं कि बैठ जाए बात। क्या करोगे? एक जर्सी खरीदने जाओगे मनीष भाई तो क्या करो, तुम बोलो चेतन। तुम स्वेटर खरीदने जाओगे तो वो बस जे मैंने थैलिया में रख दिया है, जे आप ले जाओ और मेरे को 700 रुपए दे दो। उन्होंने की कहां से आया है, तू कहां से आया है जे बता, कि तुम कहां से आयो, कि मैं तो अशोकनगर से आया हूं, कि तुम कहां से आए हो, कि हम आगरा से आए। ऐसा चलता है कोई? क्या करोगे बोलो, कैसे देखोगे? अरे पसंद करोगे, खोल के दिखा, साइज दिखा, कलर दिखा, देखने दे, कहीं से सेकंड हैंड का तो नहीं है, एकदम एक क्लास का माल है कि नहीं है, ऐसा पूरा उसे देखोगे कि नहीं देखोगे? मैं पूछता हूं आपने खरीदा है क्या, तो फिर देख क्यों रहे हो साहब? वो कहेगा खरीद लो फिर देखना। उन्होंने कि नहीं, खरीदने से पहले देखेंगे। अब न्याय ही नहीं समझता ये। अभी आत्मा की अनुभूति करने से पहले नौ तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है उसकी द्रव्य रूपता को भी देखेंगे और न्याय रूपता को भी देखेंगे। कि तुमको आत्मा की अनुभूति हो गई क्या, कि जब आत्मा की अनुभूति हो गई हो तब देखना, कि नहीं पहले खरीदने से पहले? कि नहीं साहब, हम तो तुमको दिखाएंगे नहीं साहब, हम नहीं दिखाएंगे। कि नहीं दिखाएंगे कि तेरे जैसे 365 में दूसरी दुकान वाला दिखाने को तैयार है, हम तो वहां देखेंगे जो हमारे हिसाब से दिखाएगा समझाएगा वो सब देखें। फिर क्या होगा, हमें पसंद आना चाहिए। तू भले ही कहता रहे अभी लेटेस्ट माल आया है, नया माल आया है, जलंधर से आया है, अमृतसर से आया है, जिस स्वेटर का अभी गांठ खोली है, अभी सबसे पहले तुम्हें ही निकाल के दिखा, तू सब कुछ कुछ भी कहता रहे, मेरे को क्या आना चाहिए? पसंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं है? फिर क्या करेगा? पसंद आ गया या आ गया, अब पैक कर ये ले रुपए, बराबर ख्याल में आ गया। अब घर जाके क्या करोगे बताओ? मैं आपको स्टेप टू स्टेप प्रैक्टिकल बता रहा हूं। फिर घर जाके क्या करोगे? फिर घर जाकर के खोलोगे या उसी पैकेट में ही रखा रहने दोगे? क्या करोगे? फिर खोलोगे। तो जब यहां पर तुमको माल खोल करके दिखा दिया, उन्होंने कि हमें पसंद आ गया, पसंद आ गया कि क्या आ गया कि अब पैक कर दो, पॉइंट समझ में आ गया, ओके। अब घर जाकर के क्या किया? खोला ही नहीं, हमने खोला ही, सीजन पर सीजन बदल गए लेकिन खोला नहीं, कि मत खोले हमारा क्या गया। फिर खोलेगा और अब तसल्ली से देखेगा। घर पर देखने का और दुकान पर देखने का, दुकान में वो स्थिरता वो शांति वो नहीं होती जितनी घर पर होती है। ठीक है, अब क्या करेगा? फिर पहनेगा, फिर पहन करके देखेगा और कहां खड़ा होगा? शीशे के आगे। मम्मी को बुलाएगा, पापा को बुलाएगा, जरा पीछे से देखना कहीं से लूज तो नहीं है, यहां से देखना, वहां से देखना, यहां से देखना, खुद ने देखा, उसने देखा, यूं देखा, यूं देखा, सबने कहा ओके 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 ओके। अब तो फिर ये फोर व्हीलर में बैठ करके मार्केट में चला गया। अब ना देखने का विकल्प और ना दिखाने का विकल्प और ना किसी से पूछने का विकल्प, कुछ नहीं, क्योंकि क्या हो गया? ओके हो गया। अब तो पहनने का आनंद ले। ऐसे ही भैया, ये तो तेरे को ये जिनेन्द्र परमात्मा तीर्थंकर देव मूल ग्रंथ कर्तारा और उनकी ये जिन वाणी और इनकी शरण में तेरे को आकर के, तो ये तो दुकान हुई और उसके पास माल है,
नहीं समझ में आया? स्वेटर खरीदना हो तो परचूनिया की दुकान पर चले जाओगे क्या? किसकी दुकान पर जाओगे? तो ये तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, भेद ज्ञान करना हो, तो किसकी दुकान पर मिलेगा? तो कौन सा माल मिलेगा इसकी दुकान पर? नॉन तेल लकड़ी मिलेगी इसकी दुकान पर? इसकी दुकान पर बंध मिलेगा? इसकी दुकान पर आकुलता मिलेगी? ये संसार के बढ़ाने का या संसार का कारण का इसकी दुकान पर माल मिलेगा? क्या माल मिलेगा इसकी दुकान पर? मिलेगा तो इसी की दुकान पर, इसलिए तुझे माल खरीदना है तो यहीं आना पड़ेगा। तो ये वाली बात तो हो गई ना कि कपड़े वाले की दुकान पर ही जाना पड़ेगा मेरे को, हो गई ना बात? हो गई कि नहीं हो गई? कि क्यों गया तू कपड़े वाले की दुकान पर? क्योंकि मुझे कपड़ा खरीदना है। तो तू इस तीर्थंकर परमात्मा की देव गुरु शास्त्र की दुकान पर क्यों आया है? संसार का अभाव करने आया है या संसार के लिए आया है? तो पुण्य पाप और आश्रय बंध के लिए आया है कि इनका नाश करने के लिए आया है? तो इनकी दुकान पर भी तेरे को पुण्य पाप और आश्रय बंध मिलेगा? ये ज्ञान तो कराएंगे कि ये संसार के कारण है, मुक्ति का कारण ये है, ये सारा ज्ञान कराएंगे। तू सब देख ले इसको, समझ ले बात को। तो उन्होंने पर्याय का भी ज्ञान कराया और द्रव्य का भी ज्ञान कराया। नहीं समझ में आया? अब देखो मैं फिर घटित करता हूं। आपके पास आप कहेंगे एक में से दूसरा उदाहरण, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से, ये मेरी पद्धति नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं एक अनुराग रहता है साधर्मी वात्सल्य का, कि साधर्मी के प्रति एक साधर्मी को इस प्रकार का राग होना ही चाहिए कि वह भी इन तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो मूल बात आई है वीतरागता प्रकट करने की, वो इसकी समझ में आनी चाहिए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो आप स्वेटर खरीदने गए थे कि वहां खरीदने गए थे स्वेटर की? स्वेटर खरीदने गए थे तो उसका गला खरीदने गए थे कि स्वेटर खरीदने गए थे? तो कलर खरीदने गए थे कि स्वेटर खरीदने गए थे? कर आगे का हिस्सा खरीदने गए थे कि स्वेटर खरीदने गए थे? तो ये सब स्वेटर में है कि नहीं? सब स्वेटर में है। खरीदने क्या गए? पहले से ही स्वेटर खरीदने गया हूं मैं, ऐसे पहले से ही त्रिकाली भगवान आत्मा को देखने गया हूं मैं। कौन सा टीटू भाई क्या कहते हो? पहले से काय के लिए गए? स्वेटर खरीदने गए थे कि बाह खरीदने गए थे? आगे पीछे का हिस्सा खरीदने गए थे कि स्वेटर खरीदने गए थे? क्या खरीदने गए थे? कलर खरीदने गए थे उसका स्वेटर, अब सब कुछ उसके अंदर है। अब कोई पूछे, अरे चेतन भाई कैसे दुकान पर? अरे स्वेटर खरीदने आए हैं। अच्छा अच्छा, कौन सी, लेफ्ट हैंड की मां खरीदोगे कि राइट हैंड की? ऐसा पूछेगा वो? कितने न्याय निकलते हैं। अरे तू भेद के लक्ष्य से तू अभेद खरीदना चाहता है? पहले अभेद रख, पहले स्वेटर रख। अब स्वेटर खरीदना है तो स्वेटर खरीदना है तो समझ ले। क्या समझ ले? कि फिर बाह क्यों देख रहा है? जब स्वेटर नहीं खरीदन तो ये स्वेटर खरीदना है तो बाह क्यों देख रहा है? प्रश्न खड़ा हो गया कि नहीं? जब स्वेटर खरीदना है तो बाह क्यों देख रहा है तू? गला क्यों देख रहा है? कलर क्यों देख रहा है? आगे पीछे का हिस्सा क्यों देख रहा है? लंबाई चौड़ाई क्यों देख रहा है? नंबर क्यों पूछ रहा है? जब तुझे स्वेटर ही खरीदना है तो क्या? खरीदना तो स्वेटर ही है, लेकिन उस सब का ज्ञान इस रीति से कर रहा हूं कि मैं नक्की कर लूं कि बांस स्वेटर नहीं। अब स्वेटर खरीद लिया, आया कुछ समझ में आया आपको? तो दो बातें कही इसने। पहली बात क्या कही? कि पर्याय का दृष्टि छोड़ो और क्या करो? द्रव्य की दृष्टि करो। चलो देखो आगे चलते हैं। भूतार्थ ने से जाने हुए नव तत्व में पर्याय का भेद है। देखो अब, देखो अब इसमें से तुम निकाल सकते हो, पढ़ो इसे, पढ़ो चेतन पढ़ो। भूतार्थ ने से जाने हुए नव तत्व में पर्याय का भेद है
उदाहरण नहीं, अब इस बात के में से निकालो कैसे क्या निकलता है बोलो। ये तो जो लिखा है वो पढ़ दिया तुमने, बताओ उसमें से कैसे निकलेगा। बात ही मत करो स्वेटर वेटर की, अब तो बस इसी सेंटेंस की बात करो, स्वेटर वेटर की बात मत करो, वो तो होगी बात खत्म, खेल खत्म, इसमें से बात करो। तुम प्रीति निकालो इसमें से, शब्द ही नहीं आया है यहां पे दृष्टि छोड़ने की, दृष्टि छोड़ दो अगर ध्रुव की, ये बातें ही नहीं आई है। अभी पढ़ने की पद्धति कैसी है, घबराना नहीं। अच्छा मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसे थोड़ी के खाली मैं पूछ ही रहा हूं आपसे। देखो क्या लिखा हुआ है, नव तत्व में पर्याय का भेद है, नव तत्व में पर्याय का भेद है, लिखा कि नहीं लिखा, नव तत्व में पर्याय का भेद है, माने ये नव तत्व पर्याय के भेद हैं। बराबर है, चेतन मिला तुमको, क्या लिखा है देखो, अब पढ़ो तुम, अब तुमको पता चलेगा कि हां यही वाली बात इसमें कहनी, पढ़ो 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 पढ़ो। पर्याय का भेद है, नव तत्व में पर्याय का भेद है, इसमें द्रव्य नहीं है, नव तत्व में द्रव्य नहीं है, नव तत्व में क्या है, पर्याय, पर्याय के भेद है ये नव तत्व, पर्याय है, इसमें यहां द्रव्य आया ही नहीं, ये नव तत्व में द्रव्य आया ही नहीं। समझ में आया? अब आप कहेंगे भूतार्थ नैसे का क्या अर्थ है, कि भूतार्थ नैसे का अर्थ यह है कि ये नव तत्व पर्याय है, द्रव्य नहीं है, ये इस भूतार्थ नैसे इसका अर्थ। कोई भी पढ़ो, कोई हमको ऐसा कोई बाधा पड़ती नहीं। ये तो गुरुवाणी मंथन शिविर का अर्थ है कि गुरुदेव श्री ने जो शब्द कहा, कोई वाक्य कहा है, तो उसका मंथन करना हमारा यहां पर ये इस दृष्टि से शिविर लगा हुआ है, और वही हमारा उद्देश्य है। एक बार अगर आपको ये समझ में आ जावे कि रसगुल्ला कैसे बनाया जाता है, एक ही प्रिपरेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन आपकी समझ में आ जावे, तो आपको एक पद्धति हो जाएगी कि इस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए और इस तरीके से इसका अर्थ निकलता है, ऐसा ये समझ में आ जावे। बराबर है, एक बार आपको नींबू में से रस निकालने की पद्धति समझ में आ जावे, एक बार समझ में आ जावे, तो फिर निकाल सकते हो। अब जब नींबू में से रस निकालने की पद्धति पता चल गई, तो आपको मौसमी में से निकाल सकते हो, हो गया, तो कल समझ में आ जाएगी आपको पता। कौ विमल जी क्या लिखा हुआ है, बोलो वाक्य बोलो। हाँ हाँ, देखो अब इसमें से क्या अर्थ निकलता है, ये नौ तत्व, ये नौ नौ है कि नौ 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 भेद हुए ना, तो ये नौ तत्व किसके भेद हैं, तो क्या पर्याय के भेद हैं। तो फिर ये भूतार्थ ने से क्या कहा, कि भूतार्थ ने से माने भूतार्थ ने का अर्थ है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा, तो ये नौ तत्व क्या है, पर्याय है। बराबर है, तो पर्याय है, ओके, इतना इतना समझिए, पर्याय है, ये पर्याय है, ये पर्याय है, ये सबसे पहली बात गुरुदेव श्री ने दूसरे पैराग्राफ में ये वाली, ये नौ पर्याय है। अरे तेरी समझ में आ गया क्या, कि क्या कि ये नौ पर्याय है, इसकी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, ये नौ पर्याय है, इसकी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, द्रव्य की दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है, तो ये नौ क्या, ये द्रव्य है कि नहीं, इनमें से एक भी द्रव्य नहीं है, ये नौ के नौ पर्याय है, इसलिए इसकी दृष्टि छोड़ दे और द्रव्य की दृष्टि अब चलेगी, पहले वो मजबूत हो जाएगी, ये पर्याय है, ये पर्याय है, ये पर्याय है। अब ये तो
बैठा है आसमान जाती मनुष्य पर्याय में बैठा रहता है। अरे कहां से निकलेगा, समझ में आया? गजब बात करते हैं। आपको मैं नहीं जानता क्या है, ये तो सबका अपना अपना, देखो व्यवर भाई जी, अपना अपना उपादान है, कोई किसी के परिणाम का करता है ही नहीं। वो जीव उस समय पर क्रमबद्ध अपनी समझ को लेकर के आ रहा है और जिस युग की समझ पने की जो उसमें भाव है उतना वो समझता है, किसी के समझाने से नहीं समझता। लेकिन जब जब समझता है तब तब कोई समझाने वाला निमित्त रूप से होता है, लेकिन निमित्त से नहीं समझता। हो गया, एक सेंटेंस समझ में आया, कैसे उसको पढ़ते हैं और कैसे उसमें से अर्थ निकालते हैं। उसका लक्ष्य छोड़कर आया, क्यों छोड़कर, कौन नौतक, तो उसका क्या करना है, लक्ष्य छोड़ना है। तो किसको उपदेश दिया, उस ज्ञान की पर्याय को उपदेश दिया है जो नौ तत्व रूपी पर्याय का लक्ष्य कर रही है। इन नौ पर्यायों को कुछ उपदेश उपदेश नहीं है, उस ज्ञान की एक समय की पर्याय को उपदेश है कि तू उसमें जो नौ तत्व की लक्ष्य में आश्रय में उसके सन्मुख होकर के जो रुकी हुई है उसको तू अपने लक्ष्य में से छोड़ दे। ख्याल में आया? और ज्ञायक भाव ध्रुव है, भूतार्थ है विद्यमान पदार्थ। देखो गजब की बात करते हैं, वो तो विद्यमान पदार्थ है और जो सदा काल विद्यमान है उसे देख नहीं रहा, और जो एक समय उत्पन्न होकर एक हवा का एक झोंका आया और चली गई, एक समय को आई और चली गई, और उसी में ये रीछ रिया है, उसी में मुग्ध पड़ा हुआ है। ये कहते हैं परिपूर्ण आनंद और परिपूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान से भरा हुआ प्रभु जो नौ तत्व में कभी एक पर्याय में, अरे नौ तत्व की एक पर्याय में भी नहीं आया, ऐसा जो भूतार्थ त्रिकाली गायक शुद्ध चेतन उसकी नय से। देखो ये अब इसको अभी इसको पढ़ना, मैं पढ़ाता हूं। अर्थात अप्रीति तुमको पहला चांस है, अर्थात त्रिकाली गायक शुद्ध चेतन उसकी नय से, उसकी नय से, ये कौन सा नय है, उसकी नय। अब पढ़ना जरूर, मैं तुमको भ्रम में डालूंगा, तुम भ्रम में पढ़ना मत, इसको पढ़ करके निकालना। उसकी नय से, फिर पढ़ू, फिर पढ़ू चेतन, लो चलो, त्रिकाली गायक शुद्ध चैतन्य उसकी नय से, बोलो रोहित या ना मोहित, हाँ मोहित बताओ। बस बस अर्थात अर्थात तक जाओ ही मत, जितना मैं फुल स्टॉप करता हूं वही फुल स्टॉप हो। उसकी नय से, उसकी ओर से सरलीकरण करो, थोड़ा सा सरलीकरण करो, इसको इसी में से निकलेगा। उसकी नय से, ये कौन सी नय है उसकी नय से माने किसकी नय से, इसमें जो शब्द आ रहा है उसका प्रयोग करो। अच्छा अर्थात के बाद से पढ़ना शुरू करा ना आपने, अपन ने अर्थात से पढ़ना शुरू करा तो क्या आया, त्रिकाली उसकी, उसकी माने किसकी, त्रिकाली नय से, त्रिकाली नय से, उसकी नय से, किसकी नय से, कि त्रिकाली ज्ञायक शुद्ध चेतन की नय से, उसको हटा दो अब और सीधा पढ़ो तो उसकी नय से, किसकी नय से, कि त्रिकाली ज्ञायक शुद्ध चेतन की नय। तो ये शुद्ध चेतन की नय कौन सी, कि जो इसको लक्ष्य करे, जो इसकी दृष्टि करे, उसी नय का नाम त्रिकाली नय है, उसी का नाम शुद्ध चेतन नय है। हाँ उस
मानसी का नाम भूता। जो भूतार्थ वस्तु की दृष्टि करे उस ने का नाम क्या है? भूतार्थ ने। जो शुद्ध त्रिकाली की दृष्टि करे उस ने का नाम शुद्ध ने। जो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की को जो ज्ञान लक्ष्य करे उस ज्ञान अंश का नाम त्रिकाली ज्ञायक चैतन्य शुद्ध चैतन्य न। अरे भाई ये गुरुदेव श्री का टीटू भाई क्या करें आप, इसका एक एक वचन एक एक शब्द क्या है उसमें से निकालना। बोलो पढ़ो भाई साहब, आप पढ़ो, पढ़ो भैया, भाई साहब आप पढ़ो। उसकी ने से किसकी ने, ये ने किसकी है, ये ने किसकी है कि ये ने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की ने है। तो ये शुद्ध चैतन्य की ने, ये ने कौन सी होती है कि जो वर्तमान का ज्ञान अंश त्रिकाली की दृष्टि करे उस ने का नाम बताओ। वो त्रिकाली ने हो गया, वो शुद्ध ने हो गया, वो होता तो जो जो नाम आप कर वो कर। लेकिन गुरुदेव की आप देखो क्या अंदर में ऐसा जैसे झूम जाते हैं। अरे त्रिकाली गायक शुद्ध चैतन्य की नैसे अर्थात नैसे माने उसकी दृष्टि से जाने, जाने ने शब्द आया ना, ने माने जानना बराबर है, तो उसे जाने बराबर है। तो वो जो जानने वाली जो दृष्टि है त्रिकाली गायक शुद्ध चैतन्य को जानने वाली जो ज्ञान की दृष्टि है उस दृष्टि का नाम अभी तो गुरुदेव ने कहा था यह ही सम्यक दर्शन है। मेरे पास प्रिंट में मूल टीका नहीं, टीका में लिखा है, टीका में एतत एव सम्यक दर्शन। साची बात है, यहां क्या कह रहे हैं, यह ही सम्यक दर्शन है, अन्य कोई सम्यक दर्शन नहीं है। इसका शब्द है ना एक तथा, या तो ये कलश में से मेरे को ख्याल में आ रहा है, अन्यथा तो टीका में भी है, टीका में यह ही सम्यक दर्शन है, यह ही सम्यक दर्शन है। विमल जी यह ही सम्यक दर्शन, और अगर देखना हो तो 144 नंबर की गाथा की टीका में देखना, समय साधना करता करवंत सम्यक दर्शनम संपद्यंत एव एव। और 6 नंबर का कलश जरा देखना, एकत्व नियतस्य शुद्ध नेतु व्याप्तु यतस आत्मना, 6 नंबर का कलश जरा देखना, एतत एव शब्द नियम द्रव्यांतरव्य पृथक दर्शनम नियमात एतद एतद एव सम्यक दर्शन, नियमात एतद एव सम्यक दर्शन, नियमात नियम से एतद एव यह ही, एतद एव एव माने ही, एतद माने यह, नियमात माने नियम से, यह ही सम्यक दर्शन है। कितने सम्यक दर्शन है? दो, एक व्यवहार सम्यक दर्शन, एक चरणानियोग वाला सम्यक दर्शन, एक द्रव्यानियोग वाला सम्यक दर्शन है। अरे कहां से क्या करते हैं प्रभु, ना कर बापू तुझे खबर नहीं, ये आगम के विरुद्ध ये वचन व्यवहार भी तेरा आवे तो ये जिन वाणी का आवरण हुआ है तेरे को पता नहीं, तेरे घातिया कर्मों का जो आज आया था कि नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा कोड़ी तेरे को कर्मों का बंद होगा, तुझे समझ नहीं पा रहा है, तू अभी समझ नहीं पा रहा है इस बात को, क्योंकि वर्तमान के ज्ञान का छयोसम और यश प्रकृति नाम का तेरा उदय है, तो उसमें जो तू जो मडरा रहा है ना यहां पर तुझे पता नहीं है। वो जो वो तुमने देखा होगा ना ऊपर वृक्ष, और वृक्ष की डाल पर एक व्यक्ति पकड़े हुए है, और वो ऊपर मधुमक्खी का छत्ता,
और उसमें से टपक रही है शहद की बूंद और नीचे हाथी लगा हुआ है और चूहे लगे हैं और देखो महाभाग्य से एक विमान में से भाई साहब गुजरे देवता और अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो मर जाएगा। अरे भैया तू सुन, तू जरा नीचे तो देख, कोई चिंता की बात नहीं है, अब जरा 5 मिनट और रुक जाओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट ठहरो, अभी तो चूहे जब तक काट लेंगे तब तक तो 5 बूंदें चाट लूंगा मैं। अरे एक बूंद भी नहीं चाट पाएगा तब तक तो तू मर जाएगा। ये तू वर्तमान के यश प्रकृति के उदय में और ज्ञान के छयूप सब में ये तेरी स्थिति उस लेशिया वाले प्रकरण जैसी है। इस है? संसार दर्शन ख्याल में आया? अरे भाई अपने के लिए समझना क्या परिणाम हो रहे हैं, उनका क्या फल लगेगा, ऐसा देखो। समझ में आ गया? चलो यही सम्यक दर्शन है, बाकी का तो बहुत कुछ गुरुदेव ने कहा है, मैं उसे पढ़ना भी नहीं चाहता, बहुत कह दिया है। नौ की पर्याय में से लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली गायक भाव का लक्ष्य करके जो भाव उत्पन्न होता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। धन्नालाल जी यहां से धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की पहली शुरुआत होती है, बाकी पुण्य और दया और दान आदि विकल्प हो वे कोई धर्म नहीं है, वे कोई सम्यक दर्शन नहीं है और वे सम्यक दर्शन का कारण भी नहीं है। बराबर हो गया? अच्छा चलो वो भी छोड़ देते हैं, बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। अब यहां देखते हैं 99 प्रश्न है मेरे में, जहां अभी चलते थे ना अपन, तो उसका दूसरा पेज है देखना चेतन। यहां जीवादि नव तत्व ये भूतार्थ ने से जाने, बराबर आया ना? मिल गया भैया टीटू भाई, मिला भैया मनीष आपको मिलेगा। देखो संपूर्ण एक रूप चीज ये भूतार्थ ने से जीवादि नव तत्व भूतार्थ ने से जाने ना। अब ये देखो वहां क्या लिया था, पहले वहां पर क्या लिया था, भूतार्थ ने से जीवादि नव तत्व, तो उसमें से क्या निकाला था कि ये जीवादि नव तत्व पर्याय है, ऐसे करके कहा था। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, जीवादि नव तत्व भूतार्थ ने से जाने हुए, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो देखो स्टार्टिंग में देखो टीटू भाई स्टार्टिंग का देखो, भूतार्थ ने से जाने हुए नव तत्व, पहले ये ब्लॉक लेटर में था, अब है जीवादि नव तत्व भूतार्थ ने से जाने। दो में अंतर समझ में आया चैतन्य? तुमको समझ में आया कुछ नहीं मिला? देखो पहले देखो स्टार्टिंग जो पहला पैराग्राफ है ना 59 के प्रवचन का, उसमें समय सार 13 की गाथा ऐसा आया ना चेतन भाई, बराबर है? उसमें नीचे हमने ब्लॉक लेटर में पढ़ा था ना, भूतार्थ ने से जाने हुए, बराबर है ना? तो भूतार्थ ने से जाने हुए देखो, अब जो दूसरा पैराग्राफ फिर हमने पढ़ा था, भूतार्थ ने से जाने हुए नव तत्व में पर्याय का भेद है, उसका खुलासा किया था। तो यहां शब्द क्या है, शब्द देखो, शब्दावली देखो, भूतार्थ ने से जाने हुए नव तत्व ऐसे लिया, यहां पे लिया जीवादि नव तत्व भूतार्थ ने से जाने। बहुत मुश्किल, बड़ा मुश्किल है, नहीं मिला? अरे पहले में भूतार्थ ने शब्द पहले था और नौ तत्व बाद में था, इसमें पहले नौ तत्व है और भूतार्थ ने बाद में, तो पहले जब भूतार्थ ने था और जीवादि नव तत्व था तो जीवादि नव तत्व पर्याय ये वाली बात की थी। अब यहां पर जीवादि नव तत्व पहले लिए बाद में भूतार्थ ने लिया, तो जब बाद में भूतार्थ ने लिया तो उसका के अर्थात
भूतार्थ का विषय, संपूर्ण एक रूप जीव। अब ये भूतार्थ की बात आई, पहले नौ तत्व पर्याय तो उसकी बात आई थी, अब ये कह रहे हैं कि ये जीवादि नव तत्व, अब ये भूतार्थन है, तो अब भूतार्थन है की बात आ गई। क्या आ गई? संपूर्ण एक रूप जीव जो ध्रुव है, सदृश है, सामान्य है, एक है, अखंड है, त्रिकाली है, निरावरण है, निरावरण अखंड एक है, प्रत्यक्ष है, प्रतिभास में जो चीज है, ये है, ये है। पहले नवतत्व ये नहीं है, कौन? भूतार्थने का विषय। तो फिर भूतार्थने का विषय कौन है? कि ये है, तो उसका कैसे कहा? उसका लक्ष्य छोड़, क्योंकि वो भूतार्थने नहीं है, वो तो पर्याय है। तो ये क्या है? कि ये भूतार्थ है, कि कौन सी चीज भूतार्थ है? कि ये त्रिकाली चिदानंद जो ज्ञाया के एक भाव है, वो भूतार्थ है, बराबर है। तो क्या करके इसकी दृष्टि कर, उसे छोड़, इसकी दृष्टि कर। नहीं समझ में आया? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं टीटू भाई? नहीं अभी पकड़ आपको कितनी पकड़ की बात है। आप कहेंगे इतना गहराई में जाना पड़ेगा, इतना डेप्थ में जाना पड़ेगा, इतना डेप्थ में जाना पड़ेगा, है? इतने की बिना भैया पकड़ नहीं आती, उसकी महिमा नहीं आती है। ऐसा है, ख्याल में आया कि नहीं आया? अब जैसे चार बोरे रखे हुए हैं, बोरे हैं ना, भरे हुए बोरे रखे हुए, एक मूंग का है, एक अरहड़ की दाल का है, एक गेहूं का है, एक चने का है, बोरे ऐसे भरे हुए। टीटू भाई के वहां पर हम गए थे तो ऐसे देखा, कैसे बड़े 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 बड़े। तो कोई आया होगा ग्राहक, तो चना दिखाया होगा उसको, तो क्या होता है, पल्ला होता है, क्या चीज होती है वो? हाँ, वो तो ऐसा उसमें लेकर के उसको दिखाया था, ऐसा तो कम से कम वो एक दो किलो करीब ऐसा ऐसा दिखाया ग्राहक को, ऐसा दिखाया, देखो एक एक दाना देख लो, एक समान है, ऐसा बढ़िया, एक क्वालिटी पहली बार आई है, ऐसा पहले जिससे खरीदते तो उससे खरीद नहीं बंद कर दिया, उसकी शिकायत आने लगी थी, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर क्या करा टीटू भाई ने, कि वो जो इनका जो नौकर था ना, उससे कहा कि बोरी में डाल दे। तो उसने क्या करा, उसने क्या करा कि वो जो दाल की बोरी नहीं थी, दाल की बोरी के उसने उसे डाल दिया, ख्याल में आया है? अब वो गए, अब दूसरा ग्राहक आया, बोला कि वो दाल देखनी है हमको, तो उससे नौकर से कहा ला दाल भर के ला, दिखा सेठ जी को दाल। तो नौकर कह के कोई बोरे ही नहीं है यहां, दाल के बोरे के ऊपर क्या डाल दिया था उसने? चना। अब उससे क्या हुआ, दाल क्या हो गई? ढक गई, अब दिखी नहीं, अब दिखी नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो बोरा दाल का है कि चने का है? घबराना नहीं, उदाहरण की बात है कि वो बोरा कोटार्ट का है, वो वाली बात है नहीं करनी है अभी। अभी तो वो बोरा जो है दाल का है कि वो चने का है, ये बताओ आप। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब पता नहीं, अभी तो पहले रखा हुआ था दाल का बोरा, ये पता नहीं जाने कहां चला गया। टीटू भाई ने कहा ऐसा तो पहले कभी हमारे साथ हुआ ही नहीं, हमारे कोई आया भी नहीं है यहां पर। अब टीटू भाई उठे कि दाल का बोरा कहां गायब हो गया, पॉइंट समझ में आया? अब टीटू भाई की नजर तो पक्की, अरे यूं ही करके इन्होंने पकड़ दिया, अरे मूर्ख यहां ये तूने चने काय में डाल दी, जरा देखिए हटा इसको हटा, पॉइंट समझ में आ गया? तो उसके तलिया में तो भूतार्थ तत्व बैठा हुआ है, दाल की बोरी, और ऊपर क्या पड़ा हुआ है, पर्याय चना। अरे तू उसकी दृष्टि छोड़ और भूतार्थ की दृष्टि कर ले, तो इतनी गहराई में जाना पड़ेगा, मत जाए गहराई में, नहीं तो दाल चने के भाव बिक जाएगी तेरी मत जाए गहराई में, कौन कहता है? गहराई में जाना हो तो जा, नहीं जाना हो तो मत जा, ऑप्शन इज चॉइस इज योर्स, हेट इज योर्स। ख्याल में आ गया? ये भी थोड़ा आपको ख्याल कराना था। अब गुरु वर्णमंत्र से भी लगता है ना, बहुत सी चीजें रहती हैं दिमाग में, क्योंकि इस महापुरुष की जो
इसकी क्या करें, इसकी जो महानता है, इसकी जो विशेषता है, इसकी जो श्रुत के जो लक्षण है, किस तरीके से इसने प्रतिपादन किया है, वो पकड़ में आता है। ये साधारणतः आप और हमको ये लगा होगा कि ये दोनों एक ही बात है, ये एक नहीं है। पहले लिया था भूतार्थ ने से जीवादि नव तत्व, अब ये लिया कि जीवादि नव तत्व भूतार्थ ने से बदल गया, ऐसा भी बदल गया, ऐसा भी बदल गया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? ऐसे क्या कहते हैं, त्रिकाली चीज अविनश्वर, कभी नाशवान होती नहीं, नाशवान पर्याय में अविनाशी कभी आता नहीं। ये देखो ऐसे ऐसे इसमें से न्याय निकल कर, ऐसा परम पारिणामिक भाव। अब जो भूतार्थ ने की कहानियां चल रही है, जीवादि नव तत्व बाहर रह गए, अब जो भूतार्थ ने अंदर आ गया, ये देखो टीटू भाई पकड़ में आया। अब ये बताओ, मैं पढ़ता हूं, ये बताना बाहर कौन रह गया और अंदर क्या आया। जीवादि नव तत्व भूतार्थ ने से जाने हुए, इसमें बाहर कौन रह गया और अंदर कौन आया? जीवादि नव तत्व कहां रह गए? बाहर, क्योंकि वो पहले आए, वो बाहर रह गए। अंदर कौन चला गया? भूतार्थ में। तो भूतार्थ ने की कहानियां चल रही हैं। देखो परम पारिणामी भाव लक्षण ऐसा सहज परमात्म तत्व, जिसे यहां भूतार्थ कहा गया है, वह सहज परमात्म तत्व वह मैं हूं। और महातो नव तत्व कहा कि उसे तो छोड़ दे, तो क्यों छोड़ दे कि वह मैं नहीं हूं? ऐसे यूं जोड़ करके भी पढ़ना पड़ेगा, आपको जोड़ करके भी पढ़ना पड़ेगा। तुम कहोगे चेतन के आपने मेरे को क्यों बार बार आते? मैं इसलिए कहता हूं कि आप एमबीए पढ़े हुए, आपके पास बुद्धि की प्रखरता है, तीक्ष्ण बुद्धि है, पकड़ सकते हो बात को, क्षमता है, इसलिए। ख्याल में आया नहीं आया भाई? यहां है बात, ये बात आ रही है और मूल टीका में है, ये सब कुछ बराबर है। ख्याल में आया कैसा है? अब ये तो वो धन्नालाल जी बैठते थे ना सामने, कि पर्याय से द्रव्य भिन्न रहता है, ये ठीक से समझ में नहीं आया महाराज हमारे तो उनने कि पर्याय और द्रव्य दो भिन्न है, तो ठीक से क्या समझ में नहीं आया? बिल्कुल तो भिन्न है, एक त्रिकाली है अविनाशी और एक विनाशी है, एक नौ है और एक है। कल में आ गया ना, ये सब बातें उसमें लगा करके हमको समझना चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? आप अपनी बेटी को रोटी बेलना यदि सिखाना है तो कितनी रोटियां बेल कर सिखाओगे? अच्छा आप ही बेलते रहोगे कि तू सीख गई क्या? नहीं होता ना ऐसा, आप बेल करके बताओगे और फिर क्या तू बेल? बराबर है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच होगा कि नहीं होगा? फिर क्या होगा? उस मां को भी पता है कि मैं भी पहले ऐसे ही थी और अब एक्सपर्ट हो गई हूं, तो ऐसे एक बार बात समझ में नहीं आएगी, दूसरी बार आएगी, तीसरी बार आएगी, चौथी बार, और हर बार वो रोटी मां जैसी ही बेलना चाहती है लेकिन बिल नहीं रही है, लेकिन फिर हर बार इंप्रूवमेंट होता चला जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार। अरे हम कोई जड़ है जो समझ में नहीं आएगी? समझ में आएगी तो हमारे ही आएगी, और किसकी समझ में आएगी? हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी समझ में नहीं आएगी। अभी गुरुदेव की हमारी बात समझ में नहीं आती है, अरे नहीं भैया, इसमें गुरुदेव की बात आई नहीं रही है, इसमें तो बात मेरी आ रही है, अपने हित की बात आ रही है, मेरी बात आ रही है, आत्मा की बात आ रही है, सकल निरावरण तत्व की बात आ रही है। तो आप सब आएगी, समझ में आएगी, बराबर है।